कांग्रेस छोड़कर लोकदल में शामिल हुए हेमवती नंदन बहुगुणा 1984 का आम चुनाव इलाहाबाद से लड़ रहे थे। उधर कांग्रेस से राजीव गांधी ने अमिताभ बच्चन को टिकट दे दिया। एक सुपरस्टार के तौर पर तो अमिताभ का जबरदस्त क्रेज था, लेकिन राजनीति और सियासत के खेल में वे बिल्कुल नौसिखिए थे, जबकि बहुगुणा एक मंझे हुए खिलाड़ी थे। दो बार यूपी के सीएम रहने के अलावा देश के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के समय में देश के वित्त मंत्री का भी पद संभाल चुके थे, लेकिन इस चुनाव में उतरकर अमिताभ बच्चन ने उनका पूरा पॉलिटिकल करियर ही बर्बाद कर दिया। आम चुनाव की खास कहानियों में आज बात उस किस्से की, जब एक दिग्गज राजनेता पर भारी पड़ गए बॉलीवुड के महानायक। 1982 में इलाहाबाद की इसी सीट पर हेमवती नंदन बहुगुणा ने जीत हासिल की थी। बहुगुणा को अपनी निजी लोकप्रियता से लेकर पहाड़ी कायस्थ और मुस्लिम वोटों की ध्रुवीकरण की राजनीति पर पूरा भरोसा था। उधर अमिताभ बच्चन को अपनी स्टार वाली इमेज, युवाओं में लोकप्रियता, बड़ी पार्टी के हाथ और सबसे ज्यादा अपने खुद के इलाहाबादी होने पर विश्वास था। चुनाव प्रचार के दौरान अमिताभ जब इलाहाबाद की सड़कों पर निकलते तो युवाओं का हुजूम उनके पीछे उमड़ पड़ता। छतों, छज्जों और खिड़कियों पर लड़कियां उनकी एक झलक पाने के लिए टूट पड़ती। रास्ते जाम हो जाते, बेकाबू भीड़ पर पुलिस को नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता। ये देखकर कहीं ना कहीं बहुगुणा को अपनी सियासी जमीन खिसकती नजर आने लगी। हालांकि बहुगुणा ने भी प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, जमकर बयानबाजी का दौर भी शुरू हुआ। विरोधी अमिताभ को नचनिया कहते थे। हेमवती नंदन कहा करते थे कि ये भीड़ नेता अमिताभ को नहीं, अभिनेता अमिताभ को देखने के लिए आई है। उस बीच अमिताभ के खिलाफ दो तीन नारे बड़े फेमस हुए। हेमवती नंदन इलाहाबाद का चंदन, दम नहीं है पंजे में, लंबू फंसा सिकंजे में, सरल नहीं संसद में आना, मारो ठुमका गाओ गाना। खास बात यह है कि इतनी तीखी और हमलावर कैंपेनिंग भी बहुगुणा को जिता नहीं सकी। उस चुनाव में 1,87,000 वोटों से अमिताभ बच्चन ने हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। अमिताभ बच्चन को अपनी सुपरस्टार वाली इमेज और इलाहाबादी होने का बड़ा फायदा हुआ था। इस चुनाव में हारने के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि 3 साल बाद अमिताभ बच्चन ने भी ये सीट छोड़ दी। 17 मार्च 1989 को हेमवती नंदन बहुगुणा का निधन हो गया। उनकी बेटी रीता बहुगुणा जोशी आज भी सक्रिय राजनीति में है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आम चुनाव की खास कहानियों में ऐसे और भी किस्से हम आप तक लाते रहेंगे। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे।